आदिवासी संगल अभियान की तरफ से 1 जनवरी को हम लोग दुमका से राष्ट्रीय आदिवासी विद्रोह अर्थात क्रांति का बिगुल बजाएंगे, क्योंकि भारत देश के आदिवासियों को अभी तक न्याय अधिकार आज़ादी नहीं मिले है। और झारखंड और बृहद क्षेत्र झारखंड क्षेत्र में हम लोग उस राष्ट्रीय आदिवासी विद्रोह की जो घोषणा करेंगे उसमें 2 टारगेट को हम सामने रखना चाहते हैं। एक है सोरेन खानदान और दूसरा है ईसाई धर्म गुरु, क्योंकि दोनों ही सोरेन खानदान से मतलब है JMM पार्टी आदिवासियों का वोट सबसे ज़्यादा लेते हैं और आदिवासियों को सबसे ज़्यादा धोखा देते हैं, अभी तक यही किया। और संताल परगना के में इसका प्रमाण मिल गया कि पूरा संताल परगना को इन्होंने मुसलमान और ईसाई बने आदिवासियों के हाथों में सुपुर्द कर दिया। और अभी हाल में साहिबगंज में जो हत्या हुई बर्बरतापूर्ण, ये वोट बैंक का मामला है और इसके पीछे सोरेन खानदान का हाथ है। दूसरा, पूरे संताल परगना को मुसलमानों के हाथ छोड़ दिया, धर्मांतरण चल रहा है, ईसाई लोगों के हाथ में छोड़ दिया। तो सोरेन खानदान के पतन के बगैर आदिवासी का उत्थान असंभव है, झारखंड का उत्थान भी असंभव है। ये जो चर्च के धर्म गुरु हैं ये भी आदिवासियों को ही ईसाई बना रहे हैं, सबसे ज़्यादा इनको ईसाई बनाया, लेकिन आदिवासियों का जमीन लूट रहा है, जंगल लूट रहा है, रोजगार लूट रहा है, इज्जत आबादी भाषा संस्कृति सब लूट रहा है, इन्होंने जड़ से इनको काट दिया है। और ईसाई धर्म गुरु का संबंध अमेरिका फ्रांस जर्मनी पॉप इटली सब तरफ से है, ये धर्म नहीं एक संगठन है, एक पावर है, एक पार्टी है। तो ये चाहते तो आदिवासियों को बचा सकते हैं, तो ये बड़ी ताकत है, JMM भी बड़ी ताकत है, लेकिन आदिवासियों को बचाने के लिए ताकत नहीं है, मारने के लिए ताकत है। इसलिए हम बाध्य होकर झारखंड बृहद झारखंड और देश के दूसरे राज्यों में जो आदिवासी हैं सबकी समस्याएं लगभग एक है। तो हमारे बीच में राष्ट्रीय नेतृत्व की कमी है, राष्ट्रीय आदिवासी समन्वय और आंदोलन की कमी है, उसको हम लोग 1 जनवरी 2023 दुमका से उद्घोष करेंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।